चीनी के बाद आटे का बहरान तैयार। गंदम की कीमत 2115 रुपए तक जा पहुंची। हुकूमत कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। 20 किलो आटे का थैला मजीद महंगा होने का खदशा। आटे का थैला चंद रोज में 1150 रुपए पर पहुंच चुका है। दिल के मरीजों के साथ संगीन मजाक। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जायदुल म्याद स्टंट डाले जाने का इंकशाफ। इलियास सादात नवाज, गजनफर नईम शहजाद, सैयद अरशद समेत दर्जनों मरीजों को एक्सपायर्ड स्टंट डाले गए। जून 2021 में एक्सपायर्ड होने वाले स्टंट ताहाल मौजूद। चीफ फार्मासिस्ट और मुतलिका अफसरान ने डॉक्टर्स की निशानदही के बावजूद स्टंट लगवा दिए। साबिक एमएस के नोटिस के बावजूद कंपनी ने स्टंट वापस नहीं किए। सेक्रेटरी सेहत का नोटिस, डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने 3 रोज में रिपोर्ट मांग ली। के बढ़ते केसेस, लाहौर हाई रिस्क इजला में शामिल। इंतहाई हसास मरीजों की जान बचाने वाले टीके एक्टेंड्रा का स्टॉक खत्म। इंजेक्शन रेमडेसिविर भी नायाब। सरकारी अस्पतालों की इंतजामिया ने हाथ खड़े कर दिए। मरीजों के लवाहिकीन परेशान। वैक्सीन नहीं तो होटल्स में खाना बंद। ट्रांसपोर्ट की सहूलत खत्म। हुकूमत की जानिब से सख्त पाबंदियों का ऐलान। शहरों की बड़ी तादाद ने वैक्सीनेशन सेंटर का रुख कर लिया। एक्सपो सेंटर में कतारें लग गई। 17 साल के नौजवानों ने वैक्सीनेशन का आगाज। कैंप में वैक्सीन के लिए मोबाइल वैन का एहतमाम। दर्जनों भिखारियों को भी वैक्सीन लगाई गई। जिले इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। एसओपी की खिलाफ वर्जी पर 25 दुकानें सील। एक पेट्रोल पंप सर्बोमोहर। 3 अफराद गिरफ्तार। नो वैक्सीन नो पेट्रोल। इंतजामिया अहकामात पर अमल कराने में नाकाम। शहर में 400 पेट्रोल पंप। चंद इन्फोर्समेंट टीमें क्या करेंगी, बड़ा सवालिया निशान। सितंबर आया बारिश लाया। शहर का मौसम खुशगवार। मूसलाधार बारिश से मुगलपुरा, धर्मपुरा, जौहर टाउन, गुलबर्ग, मॉल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड पानी पानी हो गए। मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, समनाबाद टाउनशिप, गुलशनरावी में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके डूब गए। एमडी कैट इम्तिहान के लिए बरगद मार्केट में लगाया गया कैंप। बारिश की नजर। मुख्तलिफ सड़कों पर दरख्त गिर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। केनाल रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, मौलाना शौकत अली रोड, मॉडल टाउन, लिंक रोड, गुलबर्ग में गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आईं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ब्यूरोक्रेसी पर चढ़ दौड़े। चीता डीसी, चीता एसी, सोशल मीडिया पर क्या तमाशा चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी ने इलेक्शन लड़ना है जो अपनी तशहीर करते हैं। कारकर्दगी रिपोर्ट तो हमारे पास ही आनी चाहिए। जब तक इनके ACR हम नहीं लिखेंगे, निजाम नहीं चलेगा। हमारे घरों की हालत देखें और ब्यूरोक्रेसी के घर देखें। पंजाब काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। हुकूमती अराकीन ने असम्बली के हलकों में तरक्याती कामों के लिए 50 करोड़ के फंड जारी। गुलबर्ग कॉलोनी, जौहर टाउन, सुल्तान पार्क, कच्ची आबादी, शादमान में काम होगा। ठोकर न्याज बेग, मियामी, गुलशन कॉलोनी, सुपरमार्केट, गुलशन रावी और सगिया के मंसूबे भी शामिल। ख्वाजा फरीद रोड गुलशन रावी टूट फूट का शिकार। 4 साल बाद भी मुरम्मत का काम नहीं हो सका। जगह जगह गड़े, गाड़ियों का गुजरना दुश्वार, मकीनों को भी मुश्किल। निश्चर कॉलोनी यासे ब्लॉक का फिल्ट्रेशन प्लांट 2.5 साल से बंद। इलाका मकीन गैर मियारी पानी पीने पर मजबूर। हेपेटाइटिस और पेट की बीमारियों का शिकार होने लगे। हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालिबा। शहर की तारीख में महंगी तरीन गाड़ी की रजिस्ट्रेशन। महकमा एक्साइज में 53,81,000 जमा। गाड़ी हबीब के नाम पर रजिस्टर्ड हुई। मालियत 13 करोड़ रुपए से जायद है। ऑरेंज ट्रेन का तामीराती काम। हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी को मुआवजे की अदायगी का हुक्म बरकरार। हाईकोर्ट से LDA की दरख्वास्त खारिज। सिविल कोर्ट ने भी हबीब कंस्ट्रक्शन को सालिस के जरिए मुआवजे की अदायगी का हुक्म दिया था। वज़ीर-ए-आला पंजाब से DG एंटी नारकोटिक्स फोर्स गुलाम शबीर नारेजू की मुलाकात। मुनशियात के आदि अफराद की बहाली के लिए इदारे कायम करने पर इत्तेफाक।
उस्मान बुज़दार से पुलिस अफसरान की भी मुलाकात, डीजी खान के साथ पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई। गवर्नर पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल विलियम विल मैकनॉल की मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात दहशतगर्दी के खात्मे पर बात। अमरीकी काउंसिल जनरल पंजाब असम्बली भी गए, स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी से चीफ सेक्रेटरी जवाद रफी की मुलाकात, एक्स कैडर कोर्ट्स में जजेस की डेपुटेशन पर तायुनाती से मुतल्लिक बात। मॉडल टाउन कचहरी में नई अदालतों की तामीर और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाबर हयात आरर, नवीद हैदर शेराजी समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। विफाक, पंजाब में 30 साल से जायद कैडर कोर्ट्स जजेस की तायुनाती की मुंतजर है। सेशन जज लाहौर हबीबुल्ला आमिर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। हबीबुल्ला आमिर 17वें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुकर्रर हुए। एडिशनल सेशन जजेस की जानिब से शानदार इस्तकबाल, फूल पेश किए। जिले अदलिया में वसी पैमाने पर तबादले, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस ने चार्ज संभाल लिया। शाजब सईद डीजी जुडिशियल एंड केस मैनेजमेंट लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर। पहले रोज एडिशनल रजिस्ट्रार केस मैनेजमेंट मोहम्मद शेर अब्बास ने ब्रीफिंग दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सज्जाद हुसैन सदर, मोहम्मद आबिद हुसैन, मोहम्मद अनवारुल हक, राना मकसूद अख्तर समेत 24 जजेस ने लाहौर हाई कोर्ट को रिपोर्ट कर दिया एक्स कैडर कोर्स में तायुनाती का इम्कान। यकसा निसाब के लिए 4 हफ्ते की मोहलत, प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल एक जैसा निसाब पढ़ाना होगा। सूबाई वजीर मुराद रास ने 2 टोक बता दिया, कहा आइंदा हफ्ते से असातिज़ा के कोरोना सर्टिफिकेट चेक होंगे, खिलाफ वर्जी पर स्कूल बंद कर दिया जाएगा। खवातीन पर तशद्दुद रोकें, सूबाई वजीर कानून का महकमा प्रोसिक्यूशन को टास्क। राजा बशारत का जेलों में इस्लाहात की सुस्त रफ्तारी पर मायूसी का इजहार, इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी से बरतानवी हाई कमीशन के वफ की मुलाकात, एलेक्स की पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों और इस्लाहात पर बात। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के ओहदेदारों का ऐलान, राजा परवेज अशरफ सदर मुंतखब, जनरल सेक्रेटरी का ओहदा सैयद हसन मुर्तजा के हिस्से आया। शहजाद सईद चीमा सेक्रेटरी इतलाआत के फराइज अंजाम देंगे। जीसी यूनिवर्सिटी में एड्स की रोकथाम पर सेमिनार, सूबाई वजीर राजा यासिर हुमायूं, प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी का खिताब। तुलबा ने इस्लाही ड्रामा पेश किया, पाकिस्तान में एड्स के 1 लाख से ज्यादा मरीज हैं। मजलिस-ए-उलमा पाकिस्तान के तहत कौमी यकजहती अम कॉन्फ्रेंस, अम के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर डॉक्टर नूरुल हक कादरी, पीर सैयद सईदुल हसन, मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का खिताब। मोहतमिम जामे अशरफिया मौलाना फजलुर रहीम, सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी और सुहेल बड़ाइच की भी शिरकत। थाना कल्चर की तब्दीली, आईजी पंजाब के रीजनल हेडक्वार्टर्स के दौरे। पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह से आगाज, इनाम खनी की शहरियों से खुश इखलाकी से पेश आने की हिदायत। बेगम गवर्नर परवीन सरवर का यूएचएस का दौरा, वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम से मुलाकात। कोरोना के खिलाफ बरसरे पैकार डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ से मुलाकात। कंपनी को करप्शन फ्री बनाएंगे, अवाम के मसाइल दहलीज पर हल होंगे। चीफ इंजीनियर लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन का अज़्म, इंजीनियर और मुलाजमीन के लिए गुलदस्ते पेश किए। करप्शन से इनकार, पाकिस्तान से प्यार, नैब के तहत लाहौर चैंबर में बदउनवानी के खात्मे पर सेमिनार। डायरेक्टर नैब मोहम्मद हसनैन का लेक्चर, मियां तारिक मिसबाह, ताहिर मंजूर, रहमतुल्ला जावेद समेत शहर की ताजिर बरादरी ने शिरकत की। नामजद चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम से मुलाकात। कौमी टीम की सिलेक्शन के तरीकेकार पर तबादला ख्याल किया। कप्तान बाबर आजम से भी गपशप। चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब 13 सितंबर को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के खसूसी इजलास में होगा।
न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। स्क्वाड की कयादत बाबर आजम करेंगे। हारिस सुहेल, सलमान आगा, सरफराज अहमद और सुहेब मकसूद टीम में जगह नहीं बना सके। इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह की वन डे स्क्वाड में वापसी। पहला मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। लाहौर कॉलेज बाय खवातीन यूनिवर्सिटी में महफिल मुशायरा। इंचार्ज हल्का वज़न डॉक्टर शाजिया रजाक, डॉक्टर नायला अंजुम ने एहतमाम किया। शोरा ने कलाम पेश किया। खूब दाद समेटी। वीसी डॉक्टर बुशरा मिर्जा, प्रोफेसर हमीदा शाहीन, डॉक्टर रेहाना कौसर, रक्षंदा नवीद, सोफिया बेदार, अमरीन सलाहुद्दीन की भी शिरकत। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात। फाउंडर्स ग्रुप के उम्मीदवारों का ऐलान। कॉर्पोरेट क्लास के लिए जब्बार खालिद, रहमान अजीज शन, अहमद इलाही और मोमिन मलिक फाइनल। एसोसिएट क्लास के लिए हारिस अतीक, यूसुफ शाह, उस्मान मलिक और मियां अतीकुर रहमान मैदान में होंगे। कॉर्पोरेट क्लास का इंतखाब 24 सितंबर, एसोसिएट क्लास का इलेक्शन 25 सितंबर को होगा। टेटीज होटल में ग्रैंड मरी की तकरीब। डायरेक्टर ऑपरेशन ग्रुप अरशाद बी अंजुम और खिजर खलील ने एमओयू पर दस्तखत किए। राजा खलील, मोहम्मद साजिद, रिजवान पर भी मौजूद थे। और कॉस्मोपोलिटन क्लब की प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस राशिद महमूद के एजाज में तकरीब। जी एम पी टी वी, सैफुद्दीन, इफ्तिखार बुखारी, रेहान अजहर, हाजी असगर मलिक, एजाज खोकर, मुनव्वर सुल्ताना समेत दीगर शख्सियात की शिरकत।